जनपद के 3 विकास खंड जंगल कौड़िया, कैंपियरगंज, भरोहिया के रोजगार सेवक, खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में भरोहिया विकास खंड के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बाढ़ की स्थिति में सुधार के बाद गाँव में मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इसके लिए 19 सितंबर को प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को गांव के विकास और रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, भरोहिया में आज कैंपियरगंज, जंगल कौड़िया और भरोहिया के रोजगार सेवक टीए और उसके अलावा जो सचिव हैं और एडीओ पंचायत, एडीओ आईएसबी, इनका रिव्यू किया गया है। और इस दौरान जो मनरेगा पे मेन फोकस किया गया है और आजीविका मिशन जो एनआरएलएम है उस पर फोकस किया गया है। और इसमें एक एक रोजगार सेवक को रिव्यू किया गया है, क्योंकि बाढ़ अब जो है कम हो रही है, पानी कम हो रहा है। और इसके बाद जो मनरेगा में हमें तेज़ी लानी है और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देना है, वो उसके लिए हम लोगों ने आज एक रिव्यू किया है। और ये हर ब्लॉक में अब आने वाले दिनों में किया जाएगा। और इसके लिए कार्यशाला इन सारे कर्मचारियों की जो हम अभी कर रहे हैं, वो कार्यशाला 19 को है, परीक्षा गृह में होगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हमें अच्छे परिसंपत्तियाँ अर्जित करनी है और मैक्सिमम लोगों को रोज़गार देना है। सर, कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं? निर्देश ये उसमें जारी किए गए हैं कि जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उनके लिए जो काउ शेड, गोट शेड या उनका जो मनरेगा से लाभ दिया जाता है, जो लिस्ट लखनऊ से आई है उसको वेरीफाई करते हुए तुरंत उसमें काम शुरू कराने को कहा गया है। इसके अलावा तालाब अगर कहीं खुदवाना है, या खेल का बांध बनाना है, या चारागाह की ज़मीन है, चारागाह उगवाना है, उसको मनरेगा में लेते हुए एक अच्छी परिसंपत्तियाँ को अर्जित करने के निर्देश दिए।